नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गुड़ और घी खाने के फायदों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों गुड़ और घी का कॉम्बिनेशन सुपर फूड की तरह काम करता है। आयुर्वेद के अनुसार गुड़ और घी को साथ में लेने से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं दूर होती हैं। गुड़ और घी का मिक्सचर इम्यूनिटी बढ़ाने, हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। इससे खून की कमी भी दूर होती है। सर्दियों में गुड़ और घी खाना अधिक लाभदायक माना जाता है। इसे खाने से आप हमेशा फिट और हेल्दी रह सकते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं गुड़ में मौजूद पोषक तत्व के बारे में। दोस्तों गुड़ में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीज, जिंक और सेलेनियम काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों आइए जानते हैं घी में मौजूद पोषक तत्व के बारे में। दोस्तों घी विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन डी से समृद्ध होता है। इसके अलावा इसमें फैटी एसिड भी पाया जाता है। आयुर्वेद में गाय के देसी घी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। गुड़ और घी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। आयुर्वेद में गुड़ और घी का उपयोग कई वर्षों से किया जाता रहा है। इतना ही नहीं आयुर्वेद में औषधि के रूप में भी गुड़ और घी के कॉम्बिनेशन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आइए जानते हैं गुड़ और घी खाने के फायदों के बारे में। नंबर एक, हड्डियां मजबूत बनाए। दोस्तों गुड़ और घी को साथ में खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। गुड़ में कैल्शियम होता है, वहीं घी में विटामिन K2 होता है जो हड्डियों में कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। इससे हड्डियां मजबूत बनती हैं। शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए भी इस कॉम्बिनेशन का उपयोग किया जा सकता है। गुड़ और घी खाने से हड्डियों, जोड़ों के दर्द की समस्या नहीं होती है। यह हड्डियां मजबूत बनाने का आसान उपाय है। नंबर दो, पेट के लिए फायदेमंद। दोस्तों गुड़ और घी का कॉम्बिनेशन पेट की समस्याओं को दूर करने में काफ़ी फायदेमंद होता है। गुड़ और घी साथ में लेने से कब्ज की समस्या दूर होती है। गुड़ और घी मल त्याग को आसान बनाता है और कब्ज से राहत दिलाता है। पीरियड्स के दर्द से राहत पाने के लिए भी गुड़ और घी का सेवन किया जा सकता है। इससे एसिडिटी में भी आराम मिलता है। नंबर तीन, खून साफ करे। दोस्तों गुड़ को एक अच्छा ब्लड डिटॉक्सिफायर भी कहा जाता है, इसलिए इसे त्वचा के लिए अच्छा माना जाता है। गुड़ और घी साथ में लेने से त्वचा हेल्दी बनती है। इससे शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स आसानी से निकल जाते हैं और त्वचा में निखार आता है। नंबर चार, मूड ठीक करे गुड़ और घी कॉम्बिनेशन। दोस्तों गुड़ और घी साथ में लेने से मूड भी ठीक होता है। इसे खाने से स्ट्रेस, तनाव और टेंशन दूर होती है। आप चाहें तो स्ट्रेस फ्री होने के लिए गुड़ और घी का सेवन कर सकते हैं। यह मूड स्विंग को भी ठीक करता है। नंबर पाँच, एनीमिया से राहत। दोस्तों एनीमिया यानी शरीर में खून की कमी, गुड़ में आयरन होता है इसलिए यह खून की कमी को दूर करता है। एनीमिया से पीड़ित महिलाओं को गुड़ और घी का साथ में सेवन जरूर करना चाहिए, इससे शरीर में खून की पूर्ति होगी। दोस्तों आइए जानते हैं गुड़ और घी खाने के तरीके के बारे में। दोस्तों अधिकतर लोगों के मन में सवाल होता है कि आखिर गुड़ और घी कब खाना चाहिए। गुड़ और घी सेहत के लिए कई मायनों में फायदेमंद होता है। आप दोपहर का भोजन करने के लिए गुड़ और घी का साथ में सेवन कर सकते हैं, यानी लंच के बाद गुड़ और घी खाया जा सकता है। इसके लिए आप एक चम्मच देसी गाय का घी लें, इसमें एक टुकड़ा गुड़ डालें। अब इस कॉम्बिनेशन को लंच के 10 मिनट बाद खा लें। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आप जल्दी से बीमार नहीं पड़ेंगे। गुड़ और घी सर्दी, जुकाम और खांसी से भी राहत दिलाता है। गुड़ की तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में इसका सेवन करना अधिक फायदेमंद माना जाता है। आप भी गुड़ और घी का सेवन कर सकते हैं, लेकिन इसे सीमित मात्रा में ही लें। इसके अलावा अगर आप किसी बीमारी का सामना कर रहे हैं
तो डॉक्टर की सलाह पर ही इनका सेवन करें। डायबिटीज रोगी बिना डॉक्टर की सलाह के गुड़ का सेवन करने से बचें। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।